हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। बच्चों, आज हम लोगों का केमिस्ट्री का फोर्थ लेसन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीरियोडिक एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने से फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? क्यों हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं? टू मेक आवर स्टडी इजियर, अपने स्टडी को एलिमेंट्स के बारे में आसान कर लेना। अगर हम लोग क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हमको एक एक एलिमेंट्स के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी पड़ेगी, और अगर हम क्लासिफाइड कर लेते हैं तो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज अगर हमारे तैयार कर लिया, यानी पूरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तैयार हो गई। क्लियर है? ये हो गया कि क्या क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। टू मेक आवर स्टडी इजी, हमारे अबाउट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में। तो दूसरा एक और प्रॉब्लम हो सकता है एडवांटेज, केमिस्ट कैन इजिली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो दो हो गया, वाई बी क्लासिफाई एलिमेंट्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर आप लिखेंगे नंबर वन, टू मेक आवर स्टडी इजियर अबाउट एलिमेंट्स। नंबर टू, केमिस्ट कैन इजिली compare the properties of elements। ये दो फायदे हैं इससे हम जो है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला तो है टू मेक अवर स्टडी इजियर अबाउट एलिमेंट्स। नंबर टू, केमिस्ट कैन इजिली कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो केमिस्ट हैं, एक दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इजिली कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का करते हैं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स बाय लेवल इजियर। फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था? लेवल इजियर। फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप, मेटल एंड नॉन मेटल बाय लेवल इजियर। लेवल इजियर ने जो है इसको जो एलिमेंट्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है सक्सेसफुल नहीं हुआ। कारण इसका कि बहुत से दो मेटल्स भी ऐसे हैं जो प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफर करते हैं, बहुत से नॉन मेटल भी हैं जो एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया,
इसलिए इसकी लिमिटेशन क्या हो गया, लिमिटेशन दिस क्लासिफिकेशन गेट फेल्ड बिकॉज टू मेटल्स और टू नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंस दो मेटल या दो नॉन मेटल में भी आपस में बहुत सारा डिफरेंस होता है, एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए ये क्लासिफिकेशन क्या हुआ, फेल हो गया। इसके बाद में बच्चों डोबरनियर एक साइंटिस्ट हुए, सेकंड अटेम्प्ट वाज मेड बाय डोबरनियर, डोबरनियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को बंचेज बनाए, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के बंच बनाए, ही मेड द बंच ऑफ थ्री एलिमेंट्स नोन एज डोबरनियर ट्राइड्स। और किस तरह से बंच बनाए, उन्होंने इस बंच में खासियत रखा, उन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज है अगर वो मिडिल वाले एलिमेंट्स के बराबर आता है तो तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। क्या किया उन्होंने, ही मेड द बंच ऑफ थ्री एलिमेंट्स, फर्स्ट ही मेड बंच ऑफ थ्री एलिमेंट्स नोन एज डोबरनियर डोबरनियर ट्राइड्स, क्या कहते हैं उसको, डोबरनियर ट्राइड्स। तीन तीन एलिमेंट्स का जो बंच है उसको हम क्या कहते हैं, डोबरनियर ट्राइड्स। अब इस बंच में क्या है, If average of atomic mass of first and third element is equal to सेकंड एनी मिडिल बीच ऑफ सेकंड एलिमेंट देन ऑल थ्री हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका यह था बच्चों ट्राइड, ही मेड और कर लो अ बंच ऑफ थ्री एलिमेंट्स, एक बंच जो बनाया कितने एलिमेंट्स का, तीन एलिमेंट्स का, नोन एज डोबरनियर ट्राइड्स, जिसको क्या कहते हैं, डोबरनियर ट्राइड्स। इफ एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट देन ऑल थ्री हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जिस एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेते हैं,
मान लीजिए लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटेशियम है, इसका एटॉमिक मास 39। इनके बीच में एलिमेंट जो है सोडियम लेते हैं हम लोग, इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज 7 + 39 / 2 / 2 = 46/2 = 23। रियल में सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज, एटॉमिक मास का एवरेज दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 23। 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इट मीन्स ऑल थ्री हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बात सही है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन भी आगे चल करके फेल हो गया। क्यों? क्योंकि डोबरमियर कुड नॉट प्रिपेयर मोर देन 3 ट्राइट्स, इसकी लिमिटेशन हो गई। यहां मैं लिख देता हूं, डोबरमियर could not prepare more than 3 ट्राइड्स, 3 ट्राइड से ज्यादा बंच नहीं बना पाया वो, बने लेकिन वो उनका एवरेज एटॉमिक मास बराबर नहीं आ रहा था। सो दिस क्लासिफिकेशन गेट फेल्ड, इसलिए ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसके बाद में अगला अटेम्प्ट जो है न्यूलैंड ने किया, किसने, न्यूलैंड। उनके क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया, उसको हम कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, लॉ ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव क्या है जरा देखें। थर्ड अटेम्प्ट, लॉ ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, न्यूलैंड का ऑक्टेव का लॉ, ऑक्टेव मतलब 8। देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन वी फाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स। हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या करती है, रिपीट करती है। जैसी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की, वैसी ही प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट्स की, लाइक म्यूजिकल नोट्स। जो म्यूजिकल नोट्स होता है सा रे गा मा पा दा नी, फिर से सा, यानी सा फिर से रिपीट हुआ, कौन से नंबर पे रिपीट हुआ, 8वें नंबर पे। रे फिर से कौन से नंबर पे रिपीट होगा, 8वें नंबर पे। रे से चलोगे रे फिर कब आएगा, 8वें नंबर पे। गा से फिर कब पहुंचेंगे गा पे, 8वें नंबर पे। जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स में
साउंड जो है हर आठवें एलिमेंट्स के साउंड रिपीट करती है, वैसे ही इसमें भी हर आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल है, इसको बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और देन हियर फ्लोरीन एंड सोडियम, 1, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3। बच्चों देखें, जिस तरह से हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लिथियम का 7, बेरिलियम 1, बोरॉन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 18, सोडियम 23, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 8 पे आया फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज एक जैसे, लिथियम से चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे आया सोडियम, लिथियम से चला तो सोडियम 8 पे आया, तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स को अरेंज करने पे उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट करती है, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 की प्रॉपर्टी रिपीट कर गई, सेकंड वाले की 9 से रिपीट कर जाएगी, ऐसे ही थर्ड वाले की इधर 10th वाले से रिपीट कर जाएगी। तो इस तरह से न्यूलैंड ने अपना लॉज दिया, लेकिन ये लॉज जो है बच्चों फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं रहा। कारण इसका कि जो प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही है ये अप्लीकेबल था फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए, फर्स्ट 20 लाइटर एलिमेंट्स तक तो सही चला, नहीं उसके बाद में फेल हो गया, उसके बाद में फेल हो गया। जरा इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं, लिमिटेशन या डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज एक ही बात है, लिमिटेशन बोले डीमेरिट्स बोले या डिसएडवांटेज। पहला इसका लिमिटेशन यह है, दिस क्लासिफिकेशन वाज अप्लीकेबल फॉर फर्स्ट 20 लाइट एलिमेंट्स, जो पहले 20 लाइट एलिमेंट्स थे उन्हीं के लिए ये क्लासिफिकेशन अप्लीकेबल हो पाया, बाकी आगे के लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाया। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया, कुछ मेटल्स जैसे कोबाल्ट और निकल उनको जो है नॉन मेटल के स्लॉट्स में रख दिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ। नंबर टू, ही पुट मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल विद नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन
एंड हाइड्रोजन इनके साथ रख दिया। इनकी थर्ड लिमिटेशन ये था, इन्होंने एज्यूम किया था कि अभी 56 एलिमेंट्स हैं, तो आने वाले समय में भी इतने ही नेचर में 56 एलिमेंट्स होंगे, नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड। लेकिन उनका ये एज्यूमशन रॉन्ग हो गया। थर्ड है एच ही एज्यूम्ड दैट देयर विल बी ओनली 56 एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, बट दिस एज्यूम्पशन गेट फेल, इनका एजम्पशन ये भी फेल हो गया, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट अलग थे, मेंडलीफ, उन्होंने भी कोशिश किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। तो फोर्थ अटेम्प्ट देखते हैं मेंडलीफ का। फोर्थ अटेम्प्ट मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बच्चों मेंडलीफ ने पहले देखा कि जो डोवर्नियर ये न्यूलैंड है, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया। तो इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स के पहले सभी की प्रॉपर्टीज स्टडी किया। कैसे प्रॉपर्टीज स्टडी किया, उन्होंने रिएक्शन करवाया सभी एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, एंड देन प्रिपेयर द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड ऑफ ईच एलिमेंट्स। जिन जिन एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड एक जैसे थे उनको एक ग्रुप में रखा। इसके लिए क्या किया उन्होंने, उनके समय तक 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। कितने एलिमेंट्स, 63 कार्ड बनाया उन्होंने ऐसा, और सभी कार्ड पे सभी एलिमेंट्स का सिंबल लिखा, नाम लिखा, एटॉमिक मास लिखा, और सबके हाइड्राइड और ऑक्साइड के सिंबल लिखे, फार्मूला लिखा, और फिर क्या किया, दीवार में कील लगा दिया, 8 कीलें लगाई, उन 8 कीलों में जिनके जिनके हाइड्राइड एक जैसे थे एक कील में लगाते गए। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे 63 कार्ड्स अरेंज हो गए, कितने कीलों में, 8 कीलों में। बस समझ आ रही मेरी कहानी, जो उन्होंने किया था, कितने कार्ड बनाए थे, 63, हर कार्ड में क्या क्या लिखा, एलिमेंट्स का नाम, उसका एटॉमिक मास और उसके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फार्मूला। जितने जिन जिन एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड के फार्मूले एक जैसे थे उनको एक कील में लगाया, ऐसे टोटल सारे 63 कार्ड्स 8 कील में, 8 नेल्स में अरेंज हो गए, हैंग हो गए सारे दीवार पे। तो मालूम है आपको, जान के ताजुब लगा उन्होंने मेंडलीफ को, उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो वापस एलिमेंट्स मेरे अरेंज हो गए इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अंतर क्या था न्यूलैंड में और इनमें, न्यूलैंड में हर सातवें एलिमेंट के यानी आठवें की प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही थी, यहां 8 के बाद 9वें की प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही थी। इसलिए इन्होंने भी अपने पीरियोडिक टेबल का मेन बेसिस किसको माना, एटॉमिक मास को, और प्रॉपर्टीज विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को माना, और उन्होंने लॉ दिया मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो पहले हम दोनों चीजें देखते हैं इसको स्टेप वाइज। नंबर 1 बेसिस, किस
किस बेस पर तैयार किया? नंबर वन प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और नंबर टू बेसिस क्या था इनके पीरियोडिक टेबल का? एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस, ठीक। इसके बेस में उन्होंने लॉस दिया, लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हो गया एक निश्चित पीरियड टाइम के बाद में प्रॉपर्टीज रिपीट करती। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस। लॉ क्या दिया? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बच्चों इस लॉ को इसी लैंग्वेज में आपको याद करना है, आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हो गया पीरियोडिक मतलब एक निश्चित टाइम के बाद, फंक्शन मतलब प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक निश्चित टाइम के बाद में रिपीट करती है। यानी हर आठवें एलिमेंट, आठवें के बाद नवे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यहां रिपीट करती है। बच्चों इनका जो क्लासिफिकेशन था बहुत सक्सेस हुआ वो, इनके टेबल के कुछ अच्छाइयां थी। जैसे हाइड्राइड और ऑक्साइड तो समझ गए आप लोग। जैसे मान लो के एच एन एच सोडियम और सोडियम और पोटेशियम के हाइड्राइड है, जैसे इसने इनको एक साथ रखा। इनके ऑक्साइड भी के टू ओ एन ए टू ओ दोनों का ऑक्साइड एक जैसे, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को एक स्लॉट में रखा। जिस जिस एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड एक सिमिलर थे उनको एक ग्रुप में रखा गया। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनकी मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स यानी उसके एडवांटेज, मेरिट्स ये एग्जाम में आता है बच्चों। जो जो चीजें मैं जिस तरह से हेडिंग में लिख रहा हूं इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो बेसिस बता दिया और लॉज बता दिया, दूसरा मेरिट्स बता रहा हूं, तीन मेरिट्स बताऊंगा, फिर डी मेरिट्स बताऊंगा तीन। ये तीनों इसी तरह से पूछे जाते हैं। मेरिट अगर पूछा तो तीन मेरिट बताइए, थ्री मार्क्स का पूछेगा। देखिए मेरिट्स में नंबर वन पोजीशन ऑफ हेडिंग आ रही है, पोजीशन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, अपने टेबल में जो उस समय एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे और इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर वो आ रहे हैं, जगह आ रही खाली, तो उनके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। और जब फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए तो उनको पोजीशन उसी जगह मिल गई बिना टेबल को डिस्टर्ब किए। इसे लिखा मैंने पोजीशन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। क्या हो गया इसमें, ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेस इन एज टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड
दे गॉट पोजिशन इन द टेबल इन द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स को बिना डिस्कवर किए ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेस इन हिज टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड दे गॉट पोजिशन इन द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स, बिना डिस्टर्ब किए दूसरे एलिमेंट्स को उनको पोजिशन टेबल में मिल गई। ऐसे तीन एलिमेंट्स थे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इस तरह के थ्री एलिमेंट्स थे, एग्जांपल स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ये तीन एलिमेंट जो थे उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, बाद में ये तीनों जब डिस्कवर्ड हुए तो अपनी पोजीशन पा गए। और मजे की बात देखो, यही नहीं कि उन्होंने अपने इसके लिए पोजीशन दिया, अपने टेबल में इन्होंने इनके बारे में पहले ही प्रॉपर्टीज इनकी एक्सप्लेन कर दिया था, और जब ये बाद में जब डिस्कवर्ड हो गए इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच कर गई। तो सेकंड बात हम लिख रहे हैं, सेकंड मेरिट्स, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ही एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट कवर्ड एलिमेंट्स, व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड देयर प्रॉपर्टीज मैच्ड, मतलब जो प्रॉपर्टी इन्होंने एक्सप्लेन किया था उसके साथ डिस्कवरी के बाद में इनकी प्रॉपर्टी मैच कर गई, सेम आ गई, ये इनकी मैरिज थी। और थर्ड बच्चों, पोजीशन ऑफ इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट मतलब अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। हमारे यहाँ पे छह अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, रियल में गैस है, ठीक है। तो उनके लिए उस समय उन्होंने पोजीशन नहीं दिया था, लेकिन ये गैसेस बड़ी लेट डिस्कवर हुई क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम थी और ये अनरिएक्टिव थी। जब भी ये डिस्कवर्ड हुई टेबल में राइट साइड में बिना टेबल को डिस्टर्ब किए सेट हो गई सभी गैसेस। तो थर्ड मेरिट इनके टेबल की बता रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट, पोजीशन फॉर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस मतलब अनरिएक्टिव गैसेस, जो अनरिएक्टिव गैसेस हैं। इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, जिनॉन, ये जो गैसेस हैं वो क्या कहलाएंगी, अनरिएक्टिव गैसेस। अनरिएक्टिव गैसेस डिस्कवर्ड वर
डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज दे आर इन ट्रेस अमाउंट ट्रेस अमाउंट ऑफ लेस इन नेचर एंड अनरिएक्टिव, क्योंकि वो अनरिएक्टिव थी तो इनके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि ये गैसेस हैं, और दूसरा इनकी मात्रा भी नेचर में बहुत कम थी, इसलिए इनकी डिस्कवरी लेट हुई। जब वो डिस्कवर्ड हुई दे गॉट पोजीशन ऑन द टेबल ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। When they were discovered, they got position on the right side of the table without disturbing टेबल को बिना डिस्टर्ब किए टेबल में राइट साइड में उनको जगह मिल गई। When they were discovered, they got position on the in the table नहीं on the right side of the table विदाउट डिस्टर्बिंग टेबल। टेबल को बिना डिस्टर्ब किए उनको राइट साइड में जगह मिल गई। ये तो हो गई तीन मेरिट्स। अब ऐसे छोटे छोटे तीन डीमेरिट्स देख लें। पहला है डीमेरिट से निकालने, फर्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसकी गलत पोजीशन दिया उन्होंने। हाइड्रोजन को उन्होंने मेटल के साथ रख दिया जो कि गलत है, जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ही पुट हाइड्रोजन विथ मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम लिथियम वेयर एज इट इज नॉन मेटल, जबकि यह कैसा है नॉन मेटल है। उन्होंने इसको किसके साथ रख दिया था मेटल के साथ। दूसरा डिमेरिट्स है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। बच्चों ये बता दूं मैं, नाइन से आप आइसोटोप्स पढ़ के आ रहे हो, जिन ऐसे एटम्स एक ही एलिमेंट्स के एलिमेंट्स एक ही है लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक मास जो है देखिए 12 भी है 14 भी है, जबकि एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 6 और 6। तब चूंकि उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया तो दोनों कार्बन के एटॉमिक मास डिफरेंट है तो दोनों को डिफरेंट पोजीशन चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, दोनों को एक ही पोजीशन टेबल में दिया, इसलिए ये भी डीमेरिट्स है। ही गेव सेम पोजीशन
for isotopes, whereas they have different एटॉमिक मासेस, जबकि उनके एटॉमिक मासेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनको पोजीशन एक ही मिली है, इसलिए ये भी इनके एक डीमेरिट्स में आएगा। बच्चों तीसरा डीमेरिट जो इनका और ये लास्ट है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। बच्चों ध्यान दो, कोबाल्ट और निकल का जो है रॉन्ग ऑर्डर दिया था इन्होंने। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है 58.93, निकल का एटॉमिक मास 58.71। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास अरेंज करेंगे तो कौन आएगा, निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट को पीछे आना चाहिए, ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को पीछे रखा, ये गलती हो गई। यानी ही पुट कोबाल्ट फर्स्ट एंड निकल लेटर, व्हाइल एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज मोर देन एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज मोर देन सीओ छोटा एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज मोर देन निकल। ये एक इनकी डेमेरिज थी, ये मैंने एटॉमिक मास इनका लिख दिया दोनों का, ठीक है, जबकि निकल को पहले आना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में। फिर क्या किया उन्होंने, ही पुट कोबाल्ट फर्स्ट एंड निकल लेटर, लेटर मतलब बाद में, व्हाइल एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज मोर देन निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा था इसलिए उसको पीछे आना चाहिए था। तो बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आज हमारा फर्स्ट पीरियड पूरा हो गया है, हम लोग अगले पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।